इसमें हुक्म सब भी होते हैं, सांप, नली, गर्दन, इसका पानी मारा जाता है पेल के सड़ा के। बकरे का अचार, ये रेसिपी आज हम बनाएंगे। राजा महाराजा ने पहले एक दिन बकरा काटते थे, फिर उसको रात को सुखा देते थे। मिर्च 700 ग्राम, फिर हल्दी, 60-60 भैंसे रखते थे, 100-150 गाय रखते थे। हम सूप 50 ग्राम कलुंजी, 50 ग्राम काली मिर्च साबुत, 2 महीना बाहर रख सकते हो आप, सर्दी कुछ भी नहीं बिगड़ेगा। और आपका वीडियो देख के खूब फोन आता है, जिम ने भी आते हैं, बाहर से आते हैं, बम्बई से आते हैं, हैदराबाद से आते हैं। जैसे काटोगे आप खाओगे, जितना स्वाद बनेगा और स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है, बहुत ही मजा आता था। बाजरे की रोटी बनाते थे, थाली में रख के डाल के खाते थे। हाँ, कम गांव डाणी में तो मटकिया में रखते थे, यहाँ पर कांच की बन्नी में रख रहे हैं। हाँ, तो ओले सा कपड़ा डाल दिया। हेलो दोस्तों, वेलकम टू वर्चुअल बंजारा। मेरा नाम है आशीष और आज हम एक बार फिर आ गए हैं खंगाना लाल मास पर। खंगाना लाल मास की वीडियो को आपने बहुत प्यार दिया, बहुत ही अच्छा, जिससे मुझे भी बहुत सपोर्ट मिला और दौलत सिंह जी को भी बहुत सपोर्ट मिला। एक बहुत ही अनोखी मतलब रेसिपी लेकर के हम आज आपके पास आए हैं, जो कि आपने बहुत कम देखी होगी और आज हम इनसे वो बनवाएंगे। तो दौलत सिंह जी, कैसे हैं आप? ओ ठीक है हुकम, आपकी वीडियो ने तो तहलका मचा दिया। अच्छा, बढ़िया काम किया भाइयों ने, मेरे साथ दिया। बहुत और, अच्छी है, वो बहुत तारीफ हुई आपके बोलने के लहजे की, जिस तरह से आप राजस्थानी बोलते हो। क्योंकि हुकम हमारे, इसलिए मेरे इनकम भी अच्छी हो रही है। बढ़िया हूँ, मैं अनपढ़ आदमी हूँ, थोड़ा सा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, तो आज मैं बकरा का हल्दी जमाना चाहता हूँ। बकरे की हल्दी क्या होती है? वो कम है, बकरा की हल्दी होती है, जैसे हमारे राजा महाराजा ने पहले एक दिन बकरा काटते थे, फिर उसको रात को सुखा देते थे। अच्छा, दूसरे दिन उसका छोटे छोटे पीस करके फिर उनको बनाते थे, दूसरे दिन शाम को बनाते थे। तो वही मैं आज कर रहा हूँ कि कल लाया था बकरा, उनको सुखा दिया रात भर और अब हुकम बना रहा हूँ ऐसे। हाँ सर, हुकम हल्दी जमाई जाती है बकरा का अचार। जैसे गांव में पहले दादा परदादों ने, पीढ़ियों ने बोलते थे कि हल्दी जमाते हैं, हैं? आजकल जनसंख्या नई वाली ने बोलते हैं कि बकरा का अचार जमाया। हाँ, हर सर्दी जमाता हूँ। तो पहले तो घर के लिए भी जमाता था, ऑर्डर आते थे हुकम, तो ऑर्डर में जाता था, ऑर्डर भी मैं भी जमा के आता था सबका। अब बस घर की दुकान कर ली, जमा के बेचना चाहता हूँ। तो हमारा भाइयों ने थोड़ा समिधन करे, कृपा करके हमारा ध्यान रखे, ऐसा है हुकम। ये चीज़ जयपुर में तो बहुत कम ही मिलती है। हाँ, जयपुर में हुकम कम मिलती है, सिटी में कम ही मिलती है हुकम। सर्दियों में जमती है, सर्दियों में जमाते हैं, जमा के रख देते हैं, फिर रोज की गर्म करते हैं हुकम। मतलब कितने दिन तक रख सकते हैं? 2 महीना बाहर रख सकते हो आप सर्दी। कितना किलो बना रहे हैं? 5 किलो बनाएंगे हुकम। 5 किलो में 2 किलो घी डालूंगा देसी, काली मिर्च वगैरह डालूंगा साबुत। अच्छा। इसलिए अचार बना रहा हूँ, ये चूल्हे पर बना रहा हूँ कम आज। हाँ, चूल्हा की तैयारी कर रखी है, बनाने की भी तैयारी कर ली है। पहले हुकम गाँव में चूल्हे पे बनाते थे। लो जी, एकदम भगवान ही तो चूल्हा जलाओगे पहले आप? हाँ सब कम। देर में बन के रेडी हो जाती है? हुकम जैसे वजन का अनुसार से होती है, इसका पानी मारा जाता है पहले तो चढ़ा के, पानी के बाद में घी डालना पड़ता है हुकम, और फिर बाद में मिर्च हल्दी नमक वो डालते हैं। पिछली बार दौलत सिंह जी से हमने रजवाड़ा मटन और रजवाड़ा चिकन बनवाया था, और आज मैं दोबारा आया हूँ क्योंकि दौलत सिंह जी आज बहुत ही अनोखी चीज़ बना रहे हैं, जो कि मेरे ख्याल से इससे पहले मैंने तो नहीं देखी बनते हुए। इसलिए आज हम इस वीडियो में वो चीज़ देखेंगे, जो कि है बकरे का अचार। जी हाँ, बकरे का अचार, ये रेसिपी आज हम बनाएंगे। कैसे बनती है मेरे को कोई आइडिया नहीं है, पूरा प्रोसेस देखेंगे। बकरे का अचार बना के स्टोर करके महीनों तक खाया जाता है और ये सिर्फ सर्दी में बनता है। तो एक तरीके से ये जो रेसिपी है ये सर्दियों की रेसिपी है। तो अब ज़्यादा देर नहीं करते हैं, चलते हैं और इसकी पूरी रेसिपी देखते हैं। आइए। हाँ हुकम, हुकम अब चढ़ा दिया अपन देखता, अब अपन इसमें करेंगे अपने तो मटन ही चढ़ाएंगे। तो उससे पहले तेल घी कुछ डालेंगे? कुछ नहीं डालेंगे, कुछ भी नहीं डालेंगे, क्योंकि पानी मारेंगे ना इसका, मतलब जो बकरे का उसी में जो नमी होती है उसी से पकेगा बकरा। हाँ ऐसा है, फिर डालेंगे। तो ये है बकरा है ना? हाँ सर। तो अपन जो बकरा लेते हैं वो कौन सा लेते हैं? चटका का लेते हैं।
लटका का स्वाद अलग लगता है, शक्ति भी होती है उसमें, राजपूत है हम, इसलिए झटका का ही बनाते हैं। ये है हाँ सर, क्या बात है। मैंने ये चीज पहली बार देखी है कि हाँ। कोई भी बकरे की रेसिपी जिसमें सिर्फ बकरा डाला हो, तो ये बहुत अलग रेसिपी इसमें हुकम पानी रहता थोड़ा बहुत। अच्छा, तो वो पानी मर जाता है, पानी मरने बाद हम घी डालेंगे हुकम से। तो अब ये इसमें ही सिजेगा, मतलब हाँ, अपने ही पानी में सिजेगा, ये सिजेगा हुकम। हम सर्दियों के मायने बनाते हैं, तो सर्दियों में क्या होता है कि अप्रैल यहाँ का तो जानता नहीं हुकम, जैसे काती मिंगसर पोषमा चार महीने के लिए बनाते हैं, तो चार महीना के लिए बनाते हैं हुकम। तो क्या है कि इनको चार महीने बना के बाहर रख देते हैं बर्तन में डाल के, हम पहली माटी की हांडी में डाल के रखते थे हम। तो चार महीना जब जरूरत होती थी गर्म, तो इसकी दो चम्मच बाजरे की रोटी बनाते थे थाली में रख के और डाल के खाते थे। हाँ, बहुत ही मजा आता था, जीभ से मेरे लाल पड़ने वाली है। इसमें हुकम सब भी होते, चाप नली गर्दन सब पुट्टा सब होता हुकम इसमें। इसमें कलेजी और कलेजी नहीं डालते हुकम, पीस ही डालते इसमें। तो अभी आप क्या लेके आए हो? नमक लेके आया हूँ। और ये है इसका पानी है ना? हाँ सर, पानी छोड़ रहा है ना, ये पानी छोड़ रहा है, मतलब ये इसी का पानी है। हाँ। और इसी में पक रहा है ये अभी। हाँ सर हुकम। और अब आप डाल रहे हैं इसमें नमक? हाँ सर। ये नमक क्यों डाल रहे हैं अपन वैसे अभी? नमक से वो पानी छोड़ देगा पूरा। अच्छा, जितना भी होगा सारा पानी छोड़ देगा? पूरा पानी छोड़ देगा। और इसमें इसका पूरा पानी सूखना चाहिए है ना? हाँ सर। बिल्कुल अनोखी रेसिपी है। और स्वास्थ्य के लिए अच्छा रहता है, इसमें ताकत बनता है, हल्दी का ज़्यादा मात्रा होती है। हुकम अब 5 किलो बना रहा हूँ हुकम, उसमें 350 ग्राम तो हल्दी पटकूंगा हुकम, और 750 ग्राम मिर्ची पटकूंगा। तो इसको क्या घी बराबर कर देता है, मिर्ची मीडियम मिर्ची कर देता है। ऐसे तो लोग बनाओ हुकम, आपके स्वाद स्वाद के लिए अलग अलग बना सकते हो, पर बनता घी में ही हुकम। पहले कहाँ था तेल हुकम? तेल था क्या पहले? घी था हुकम, घी में बनता था। हमारे पापड़ तो आपने तो पानी नहीं था हमारे पीने के लिए, हुकम खारा पानी था, वो भी नहीं था पीने के लिए, इतना घी था पहले। अब कहाँ है घी? पतापरा 60-60 भैंसे रखते थे, 100-150 गाय रखते थे, 1000-1000 बकरियाँ बेढ़ा रखते थे, खूब रखते थे। आज तो कुछ भी नहीं है। ये सारा पानी निकल गया इसका? हाँ पानी निकल गया, देख लो आप तो। देखो पानी सारा इसी का पानी। हाँ, मतलब सा, अपन ने कुछ भी नहीं डाला, नहीं डाला इसमें, वो पूरा पानी सुखाया बाद में हुकम मैं घी डालूंगा इसमें। तो पानी क्यों सुखाया जाता है? हुकम खराब हो जाए, खराब की दिक्कत रहती है ना हुकम। अच्छा। जैसे चार महीना सर्दी के लिए, अब आप आज बना दिया हुकम मैंने। हाँ। अब चार महीना बाहर पड़े रहने दो, कोई दिक्कत नहीं इसका। अच्छा। कुछ भी नहीं बिगड़ेगा, जैसे काटोगे आप खाओगे जितना स्वाद बनेगा। हाँ, पानी नहीं निकला तो हुकम खराब हो जाता है। देखो आपके सामने पानी कितना निकल रहा है, देखो है पानी। लोग तो कहा नली दे दो, चाप दे दो, अरे उसका स्वाद तो नहीं लिया आपने, चाप नली में क्या स्वाद होता है, खा के उसका मीट मीट बाहर से पटक देते हैं, अरे इसको अंदर से खींचो, ताकत होना चाहिए, ताकत क्या होगा हुकम, कुछ भी नहीं होता, दारू पीते हैं मजा करते हैं, क्या है। नली को कैसे सोचना पड़ता, दांतों से तोड़ना पड़ता है, नली खानी पड़ती है, जब मांस निकलता है उसमें। पहले वाला सारा नली को दांत से तोड़ देते थे पूरी को, जब नली अच्छी लगती थी। ये पूरा कलर चेंज हो गया इसका? हाँ सर। अभी तो ये पूरा पानी सूखने में तकरीबन कितना समय लग जाता है? लग जाता है कम, अब 10 मिनट और लगेगी, मतलब ये मान लें अपन 30-40 मिनट लग जाता है। हाँ। अरे आपका वीडियो देख के खूब फोन आता है हुकम, जिमने भी आते हैं बाहर से, आते हैं बम्बई से, आते हैं हैदराबाद से, आते कोई चेन्नई से आते हैं तो वही खाना खा के जाते हैं, कोई इटली से आते हैं तो वही खाना खा के जाते हैं। हमारे हुकम व्यवस्था नहीं है, पैकिंग का काम है, व्यवस्था नहीं देखने की, कोई उनकी लोगों की जैसे होती वैसी व्यवस्था कर देते बाहर से आते, तो उनको चपाती भी मेरे हाथ से बना के खिलाता हूँ। समय हमारा हुकम 5 बजे से लेके 10 बजे तक का टाइम है,
पानी सूख गया। हाँ सर, पानी सूख गया, आप क्या करेंगे? अब घी डालेंगे। हुक्म घी कितना डालेंगे आप? इसमें डालेंगे हुक्म 2 किलो। हाँ सर, क्या क्या मसाले हैं अभी? हुक्म घी है, लाल पाउडर मिर्च है। कितना ये मिर्च? मिर्च 700 ग्राम। और ये? फिर हल्दी है 350 ग्राम, 50 ग्राम सूप है, 50 ग्राम कलुंजी है, 50 ग्राम काली मिर्च साबुत। हर मतलब अचार में डलती है, वो सारी चीजें इसमें भी डलेगी? इसमें डलेगी। इसमें अपन नमक डाल दिया था, डालते हैं। तो इसका पानी सूख गया पूरा? हाँ सब सूख गया। तो घी कौन सा यूज करता है आप? कृष्णा। हाँ घी डाल रहे हैं। हाँ सर। हाँ 5 किलो अपन बकरे का अचार बना रहे हैं, जिसमें अपन 2 किलो घी डालेंगे। हाँ सर, है ना? ये देख सकते हो फ्रेंड, सबसे मतलब बकरे का अचार मैंने तो सुना ही पहली बार था। हालांकि फिर मैंने जब इस पे देखा, रिसर्च किया थोड़ा सा, तो पता चला कि ये गाँव और ढाणियों में बनता है, खासकर राजस्थान में बनता ही है। हाँ जी। और राजे रजवाड़े खाया करते थे पहले इसको, अभी भी मतलब गांव में ज़्यादा है चलन इसका, शहरों की बदौलत है ना, शहरों में कम चलन है इसका। लेकिन दौलत सिंह जी को आता है, ये बचपन से देखते और खाते हुए आ रहे हैं, इसलिए इनको रेसिपी याद है, इनके फादर बनाया करते थे, तो आज ये हमारे लिए बना रहे हैं ये रेसिपी। ये डल गया पूरा घी इसमें। हाँ सर, ये 2 लीटर घी है ना? हाँ। हल्दी डाल रहे हो आप? ठीक है, तो अब डल रही है हल्दी। ये है इस रेसिपी का 4th प्रोसेस। अभी घी डाल दिया था इन्होंने और इसके बाद डली है हल्दी। तो इसमें मतलब ये 4-5 चीज़ें ही डलती हैं, है ना? इसी से पूरा बन जाएगा ये। तो ये बनने के बाद इसको रखा किस में जाता है? हुक्म पहले तो हम माटी की हांडी में रखते थे, आजकल तो हुक्म कोई स्टील में रख लेते हैं, कोई एनमुनी में रख देते हैं, पर सबसे बढ़िया बेस्ट तो हांडी ही होती है हुक्म माटी की। पर आजकल शीशा की होता है ना डब्बा, शीशा का डब्बा में रख देते हैं। डाल दूंगा। मिर्ची डाल रहे हो? हाँ। मिर्ची कितनी है ये? 700 ग्राम। कितनी मिर्ची डालती है इसमें? हाँ सर, मतलब फिर जब इसको बनाते होंगे निकाल के, तब ये चीजें डालने की जरूरत नहीं पड़ती होगी। हाँ। अब क्या डाल रहे हो ये? काली मिर्च। काली मिर्च ये डालने? काली मिर्च। मटन की किसी भी रेसिपी से बिल्कुल अलग रेसिपी है ये। हाँ सर, अलग ही। बिल्कुल जैसी चीज़ें अचार में डलती है वैसी ही चीज़ें डल रही हैं। काली मिर्च डलेगी, और वो काली चीज़ क्या है वो? कलौंजी। कलौंजी डलेगी इसमें, घी इसमें डला है, हल्दी और मिर्ची डली है। हाँ, और एक ये सौंफ और डलती है। हाँ, इसमें ना जो अचारों में डलती है। हाँ सर, कैरी के अचार में डलती है, बाकी के अचारों में डलती है, और ये है कलौंजी। कलौंजी ये देखिए बिल्कुल अचारी, ये देखिए क्या बात है यार। सीज गया। अब आप और घी डाल रहे हो इसमें? हाँ। ये और घी डाल रहा है पूरे मसाले डालने के बाद। पहले उन्होंने 1.5 किलो घी डाला था, अभी 1/2 किलो आपने मसाले डालने के बाद डाला है ना? क्या बात है, मतलब कितनी यूनिक रेसिपी है। दोस्तों, आप में से कितने लोगों ने आज तक ये रेसिपी नहीं देखी थी, या कितने लोग इस रेसिपी को देख करके आप बनाएंगे अपने घर में, जल्दी से कमेंट करके बता दो। बाकी बहुत ही सही कलर आया इसका, लाल मांस को पीछे छोड़ दिया इसमें, इतना लाल ही है। हाँ सर, तो अभी क्या हो गया बस अपना, ये हो गया, इसको उतार दो क्या? तो ये ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है? हाँ सब हो चुका। अच्छा, बस इतना सा प्रोसेस होता है इसका? हाँ बस। तो ये अब उतार लिया है इन्होंने, तो अभी अपन इसको क्या ठंडा करेंगे या फिर वैसे ही सर मतलब पैक कर देंगे, क्या होगा? ठंडा करके पैक करेंगे। ठंडा करेंगे। आप वही है ना वर्चुअल बंजारा वाले? जी जी सर, बिल्कुल वही। हाँ हाँ, मैं आप ही की वीडियो देख के यहाँ आया था। अच्छा, पहले आ चुके हैं आप? हाँ, मैं 3-4 बार आ चुका हूँ। अच्छा जी। तो क्या लेते हैं वैसे अमूमन यहाँ पे? वही लाल मांस। अच्छा, ट्रेडिशनल डिश। आपकी वीडियो देख के 2-3 जगह और भी हम गए हैं, देखता रहता हूँ, नॉनवेज के शौकीन हूँ। आप जैसे लोगों को देख देख के हम जैसे लोग आते रहते हैं, नई नई चीज़ें पता लगती रहती है। 50 साल 100 साल पहले यही करते थे कि चोट लग जाती तो ये जमा के खाते थे और दूध वगैरह पीते थे, तो उससे जल्दी रिकवर हो। तो ये रेडी हो चुका है और इसको अभी ढक दिया है, अभी ये थोड़ा सा ठंडा होगा और उसके बाद में
और ये पैक किस में होता है वो भी पैकिंग भी करके दिखाएंगे। बकरा का चारा बोलते हैं इसको, तो इसमें दो ढाई घंटा लगता है, दो ढाई घंटे में बना देते हैं। बनाया बाद में इनको थोड़ी देर रख देते हैं, फिर इसको बर्तन में डाल देते हैं। इसकी रेट हुक्म कर रखी है 1500 रुपये किलो की, क्योंकि देसी घी में बनता है हुक्म, इसलिए मेहनत भी काफ़ी है हुक्म। आप तो देखिए मेहनत, और चूल्हे पे बना देते हैं हुक्म ऐसे। इसको कैसे खाते हैं फिर? अभी ये तो बन गया, कैसे खाएंगे इसको? अब खाएंगे हुक्म, जैसे ले गए मेरे से, ले जाके दो जने खाने वाले, दो गिलास गर्म पानी का कर लो, गर्म पानी उकल जाए उसमें धनिया पाउडर डाल दो, दो चमची धनिया पाउडर उबले, बाद में इसमें दो आदमी के लिए दो चमची काट लो, 5-6 पीस काट लो, क्योंकि इससे ग्रेवी होती है, तरी होती है घी की और मिर्च की और हल्दी की। तो इनको गर्म करोगे, अच्छा गर्म हो जाएगा दो गिलास में, फिर इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डाल दो स्वाद के लिए, फिर ऊपर से हरिया धनिया डाल के आप पी लो। नहीं 4 महीना हुक्म इसको बाहर पड़ रहे हैं दो टन में, कोई दिक्कत नहीं है। बर्तन में डाल के कपड़ा का ढक दे दो, कपड़ा मान लो, पर काटने वाली चम्मच इसके अंदर रहनी चाहिए, दूसरी चम्मच नहीं डालनी पानी की चम्मच। अच्छा, पानी वो चम्मच उस... की चम्मच ना, जितने निमड़े नहीं जितने वही चम्मच रहेगी, हुक्म गाढ़ा हो जाता है, तो इसको सर्दी में ध्यान से काटना पड़ता, नहीं चम्मच ही तोड़ देता हल्की फुल्की होती। अब निकाल रहे हैं इसको, तो ये ठंडा करके ही डाला जाता है? हाँ सब हुक्म ठंडा करके डाला जाता है। हाँ सर देखो कम ठंडा हो गया वो। हाँ ठंडा हो गया। इसको बर्तन में डालेंगे, कलर कितना जोरदार आया है यार इसका। ये देखो ये है बकरे का अचार, बिल्कुल वही सौंफ और कलौंजी वही सारी चीज़ें आपको इसमें दिखेंगी जो एक अचार में आपको दिखती है। और बना कह रहे हैं एक पीस खा के देखो आप तो एक पीस खा के देखते हैं कैसा है, क्या स्वाद है इसका। बाकी कलर जोरदार आया है, खुशबू भी मस्त आ रही है, बढ़िया। और ये देखो ये है प्रिपरेशन इसकी, ये देखो पूरा देसी घी की प्रिपरेशन है, और इसमें भी देखो मसाले वही डले हुए हैं जो एक अचार में डलते हैं, आप देख सकते हो, हल्दी है, मिर्ची है, और साबुत काली मिर्च है, सौंफ है, और कलौंजी है जो काले कलर की होती है। तो वैसे तो इसको जब बनाते हैं, जैसा कि आपने सुना दौलत सिंह जी को, कि इसमें गर्म पानी डालते हैं, और बिल्कुल देखो अच्छे से पका हुआ है, एकदम से बिल्कुल उंगली से ही टूट गया ये। तो अभी इसको एक बार खा करके देखते हैं ऐसे ही। मतलब ये ऐसा सा लग रहा है जैसे स्नैक्स हो कोई, जैसे अपन खाते हैं ना। स्वाद तो देखो मैं क्या बताऊँ आपको, मिर्च हल्दी का जो स्वाद होता है, जो मेन स्वाद आ रहा है वो आ रहा है बोटी का, जो बोटी का स्वाद होता है आप लोग महसूस करते हो जब खाते टाइम, वैसा सा स्वाद आ रहा है। और ये इतना डार्क है, इतना मसालेदार है, क्योंकि ये जो पूरा मसाला है इसमें गर्म पानी जब आप मिलाते हो और उसके बाद में इसमें धनिया वगैरह डाल के थोड़ा सा बस गर्म किया, और बढ़िया रोटी के साथ, बाजरे की रोटी के साथ खाओ बढ़िया मज़े से। अचार है और इसको बंडी में रखा जाता है, तो इसको बंडी में कैसे पैक करते हैं आइए अब वो देख लेते हैं। थोड़ा हुक्म रखना पड़ता है, जैसे रिक्ता में 80% से जाते हैं, 20% रखते हैं, तो दूसरे दिन तीसरे दिन हो जाता है आपने। अच्छा, 80% अपन इसको तैयार। हाँ तो क्योंकि फिर वो बनाएंगे ना, जब दोबारा बनाते हैं ना तो गल जाता है, कोई दिक्कत नहीं, अच्छी तरह गल जाता है, देसी घी डालने से कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। अच्छा, तो गल जाता है। फिर इसको कैसे पैक करते हैं, मतलब कैसे रखा जाता है घरों में? घरों में बर्तन में डाल के रख दो हुक्म, कपड़ा डाल के, ये बन्नी में रखना पड़ेगा हुक्म। बन्नी में रखते हैं ना? हाँ जी हाँ हुक्म, गांव रैणी में तो मटकियां में रखते थे, यहाँ अपन कांच की बन्नी में रख रहे हैं। बाकी दोस्तों कलर आप देख सकते हो, कलर कितना शानदार है, बिल्कुल सुर्ख लाल, और ये बन्नी में इस तरह से रखा जाता है। तो अभी अगर किसी को बनवाना हो आपसे? हाँ तो ऑर्डर दे दो हुक्म, बना देंगे। अच्छा, एक दिन पहले ऑर्डर देना पड़ता है हुक्म। लियो सा हुक्म, और लियो सा। ढक्कन से बंद करना चाहिए कि कपड़े से? कपड़े से हुक्म, कपड़े से बंद नहीं, जैसे ले जाना ले आना होता तो ढक्कन दे दो, कोई दिक्कत नहीं, कुछ भी नहीं बिगड़ता इसका। घर में रखते हो तो कपड़े से डाल दो, घर में रखते हो तो ओले सा कपड़ा डाल दिया। तो दोस्तों आज आपने देखी ये बिल्कुल यूनिक रेसिपी जो की थी बकरे का अचार, आपने पूरी प्रोसेस देखी, मैंने खा के भी देखा, बहुत स्वाद है। और जब ये अचार अपन बनवा लेते हैं फिर उसके बाद कभी भी आपकी इच्छा करे, आपको मार्केट जाने की ज़रूरत नहीं है, बस इसमें से थोड़ा सा ये निकाला, गरम पानी किया, डाला थोड़ा सा धनिया डाला, और उसके बाद किसी भी रोटी के साथ खा लो, बहुत ही स्वाद होता है। और अगर आपको चाहिए, आप भी अगर ये बनवाना चाहते हैं, तो आप यहाँ पे कंगना लालमास आ सकते हैं, या फिर
अगर आपको इनसे बनवाना है तो आपको एक दिन पहले कॉल करना पड़ेगा। इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, नीचे आप डिस्क्रिप्शन में जाके देख सकते हैं या फिर आपको स्क्रीन पे भी दिख रहा होगा, इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हो। किस किस ने ये रेसिपी बिल्कुल पहली बार देखी एक बार कॉमेंट सेक्शन में बता देना, और इसकी रेटिंग, क्योंकि मैंने इसको खाकर भी देखा है, इसकी रेटिंग आपको स्क्रीन पर दिख रही होगी, बहुत ही अच्छा था। बाकी मैं घर ले जाऊँगा इसको, घर पर जाके बनाऊँगा और खाऊँगा और फिर देखूँगा कि ये कैसा है। टिल देन आई थिंक दिस इज़ इट फॉर नाउ। अब मैं आपसे मिलूँगा किसी और दिन, किसी और जगह, किसी और नए जायके के साथ। तब तक के लिए बी हैप्पी।